अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी एहतमाल का मजमुआ सेट का हिस्सा नंबर 2 देख रहे हैं। यहाँ पर इससे पहले वाले वीडियो में सवाल नंबर 2, 3, 4, 5 का सलूशन भेजा गया है। इंशाल्लाह इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 का सलूशन भेजा जाएगा। उम्मीद है कि सबको समझ में आएगा, कोई मुश्किल सवालात नहीं है। बस थोड़ा सा आपको नमूना वसात लिखना आना चाहिए और उसके बाद आप सवाल हल कर सकते हो। एहतमाल का जाप्ता याद होना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है। आइए इसका छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल है, एक बॉक्स में 5 सुर्ख कलम, 8 नीले कलम और 3 सब्ज कलम हैं। बेतरतीब तरीके से मुस्तबा को एक कलम निकालना है तो निकाला गया पेन नीला है, इसका एहतमाल मालूम कीजिए। तो इसका सलूशन लिखते हैं हम। सलूशन की शुरुआत या हल की शुरुआत कैसे करेंगे? यहाँ पर हम सुर्ख, नीली और सब्ज कलम को नाम दे देंगे। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं सुर्ख पेन क्या है, कितनी है, 5। उसका नाम हम दे देते हैं R1, R2, R3, R4, R5। R का मतलब रेड। फिर इसी तरह से 8 नीले पेन हैं, नीले कलम, कलम लिखिए या पेन लिखिए दोनों एक ही चीज़ है। ए बराबर इसको हम क्या ले लेते हैं, नीले को क्या कहा जाता है, ब्लू कहा जाता है अंग्रेजी में। तो B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B8, 8 पेन है। अब इसके बाद कहा गया है कि 3 कलम जो हैं सब्ज हैं, यानी सब्ज कलम यानी हरी, हरी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ग्रीन। इसको G1 कितनी है, 3 है, G2 और G3 से इस तरह से दिखाते हैं। अगर हम इस तरह से इसको फर्ज कर लेते हैं, अब नमूना वसात अगर हम लिखना चाहें, इसलिए नमूना वसात क्या आएगा, S बराबर, तो ये सब लिख देना होगा, R1 से लेकर के R5 तक, R1, R2, R3, R4, R5, फिर B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 एंड B8, 8 हैं। और फिर ग्रीन वाली इसी में मिला लेते हैं, G1, G2 और G3। इस तरह से हमारा S आ गया नमूना वसात। नमूना वसात आने के बाद हम क्या लिखते हैं, नमूना वसात में नुकात की तादाद यानी NS कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 और 8, 13 और 3, 16। कुल पेन कितनी है, 16 है, तो NS बराबर कितना हो जाएगा, 16। अब शर्त में दिया गया है कि मुज्तबा को एक कलम निकालना है, तो निकाला गया पेन नीला है। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं, वकुआ वकुआ ए है जिसमें
निकाला गया। कलम नीला है। अब नीला कलम का वक़ूअ हमने फ़र्ज कर लिया कि ए है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, नीले पेन कितने हैं, यहाँ से आप ब्लू वाला B1, B2, B8 है, तो इस तरह से लिख हो जाएगा B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B8। इस तरह से सबको कामा से अलग करके लिख लेंगे, ये आपका सेट बन जाएगा। और इसमें कितने रुकन होंगे, इसलिए एन ए बराबर हो जाएगा 8। इसमें नमूना नुकात की तादाद कितनी हो जाएगी, 8। अब क्या पूछा गया है, इसका एहतमाल पूछा गया है ए का, तो पी ए बराबर, ये जाप्ता आपको याद होना चाहिए कि एन ए बटे एन एस, ये नीचे वाला हमेशा नसब नुमा वाला एक ही रहेगा और ऊपर वाला जब वकुआ बदलता रहेगा तो उसका नाम आता जाएगा, बदल जाएगा, तो इसलिए पी ए बराबर हो जाएगा हमारा ए की जहाँ पर आया है 8 और एन एस की जहाँ पर आया है 16। 8 के पहाड़े से तकसीम हो जाएगा, 8 × 8, 8 × 2 = 16, इसलिए पी ए बराबर हो जाएगा हमारा 1/2। अगर आपने एक नीचे आया है उसको छोड़ दिया और ऊपर नीचे दो आया है उसको सिर्फ ले लिया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। वकुआ ए क्या नाम है, एहतमाल कभी भी एक से ज़्यादा नहीं आएगा, यानी 1/2 आया है तो अगर आपने एक को छोड़ दिया कि अरे एक ऊपर एक आया है छोड़ो जाने, तो दो लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। ऊपर एक हमेशा लिखना ज़रूरी है और नीचे अगर एक रहेगा तो लिखना ज़रूरी नहीं रहता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद सातवां सवाल है। सातवें सवाल में कहा गया है, एक पासे के 6 रुख दर्ज ज़ेल के मुताबिक हैं, ए बी सी डी ई, और ए वापस से लिखा हुआ है, पासा एक मर्तबा फेंका जाए तो दर्ज ज़ेल वकुआ का एहतमाल मालूम कीजिए। अब हल में लिखते हैं इसका, कह रहे हैं कि पासा जब फेंका जाएगा तो आपको एस लिखना पड़ेगा, एस यानी नमूना वसात, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई और ए। देखिए यहाँ पर ए हमने रेड से लिखा है और ये इसलिए रेड से हमने लिखा है क्योंकि ये एक सेट है, एस बराबर ए बी सी डी ई और ए जो है एक सेट है, और एक सेट के अंदर एक रुकन जो है दो बार नहीं लिखा जाता है, तो पासे के रुख पर हो सकता है कि अलग अलग कलर से ए बी सी डी लिखा हो, ये दोनों दो अलग अलग कलर से लिखा होगा तभी ये आप इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं तो सेट लिखने का तरीका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर एक बार आ चुका है इसलिए दोबारा ये नहीं लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये पासा है और पासे में ये एक रुख पर एक अदद लिखी गई, एक हर्फ लिखा गया है, अब वो हर्फ एक ही इंक से लिखा जा सकता है या अलग अलग इंक से लिखा जा सकता है उसका चांस है, लेकिन तो अलग अलग रुख पे जो भी हर्फ लिखे गए हैं अल्फ़ाबेट लिखेंगे वो आपको लिखना पड़ेगा। हमने ए और ए को रेड और ग्रीन से इसलिए कर दिया गया है कि कोई ये ना कहे कि ये सेट लिखने का तरीका गलत है। सेट लिखने के तरीके में ए और हमने दोनों एक ही इंक से लिख दिया होता तो कुछ लोग इस पर कह सकते हैं कि ये गलत है लिखने का तरीका और ये सही नहीं होगा, तो ये आपका 6 हो जाएगा, 6 रुख होते हैं और 6। फिर अब आपका पहला पूछा गया इसमें नंबर 1, ऊपरी रुख पर ए हासिल होता है, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि वकुआ ए है जिसमें ऊपरी रुख पर ए हासिल होता है, अब
इसका ए का आपका वो लिखना पड़ेगा कि ए बराबर क्या आएगा, यानी इसमें कौन कौन से रुकन शामिल होंगे। तो इसमें आपको आप अलग अलग इंग से नहीं लिखेंगे, आप तो एक ही इंग से लिखेंगे, कोई हर्ज नहीं रहेगा। लेकिन हम यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं कि सेट लिखने का जो सही तरीका है उसमें ए दो बार नहीं लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर परेशानी है क्योंकि दो रुख पर ये आदत आ रही है, इसलिए हमको ए लिखना पड़ रहा है। इसलिए आपका ए बराबर एन ए बराबर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। आपको इसके बारे में नहीं सोचना है कि ये गलत हो जाएगा सही हो जाएगा, ये आपको डायरेक्ट ए लिख देना है और इसमें एक ही पेन से ए बी सी डी ई और ए लिख देना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब इसलिए हमको क्या मालूम करना है, अब हमको मालूम करना है पी ए मालूम करना है। पी ए बराबर क्या हो जाएगा, जापता आपको याद होना चाहिए, एन ए बटे एन बी। पी ए का मतलब ए का एहतमाल, एन एस हो जाएगा, एन एस और एन ए की कीमत रख देंगे, एन ए बराबर दो है और एन एस बराबर छः है। तो ये दो से कट जाएगा, दो का दो दो तियाँ छः, ये बराबर एक बटे तीन आ जाएगा। पी ए बराबर एक बटे तीन आ गया। अब इसका दूसरा हिस्सा पूछा गया है कि ऊपरी रुख पर डी हासिल होता है। तो फर्ज कर लेते हैं, फर्ज किया कि वकुआ बी है जिसमें ऊपरी रुख पर ये जो है आपका दिया हुआ है, इसमें यहाँ से ये पूरा आप लिख लेंगे कि ऊपरी रुख पर डी हासिल होता है। इसलिए नमूना वसात इसका कितना हो जाएगा, बी बराबर सिर्फ एक ही बार डी है। तो ये आपका नमूना वसात इस तरह से हो जाएगा, और नमूना वसात में अरकान की या नुकात की तादाद जो हो जाएगी एन बी बराबर हो जाएगा एक हो जाएगा। अब हमको क्या मालूम करना है, बी का एहतमाल मालूम करना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। तो एन बी बराबर बटे एन एस हो जाएगा। अब एन बी की और एन एस की कीमत रख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा एन बी बराबर, आप दूसरी लाइन में लिख सकते हो, यहाँ पर जगह ना होने की वजह से हम इसी लाइन में लिख रहे हैं। एन बी कितना है, एक, और एन एस जो है छः। तो ये कटेगा नहीं, ये ऐसे ही हो जाएगा। इसलिए जब आंसर लिखा जाएगा तो आंसर में लिखा जाएगा, पहला आंसर कितना आया है, एक बटे तीन, और दूसरा आंसर आया है एक बटे छः। इस तरह से ये सवाल आपका। आइए अब इसका आठवां सवाल देखते हैं। आठवां सवाल है, एक बकस में 30 कार्ड हैं, हर कार्ड पर 1 से 30 तक में से सिर्फ एक अदद, एक ही अदद लिखा गया है। बॉक्स में से एक कार्ड बेतरतीब तरीके से निकाला गया, एहतमाल मालूम कीजिए। नंबर एक, कार्ड का अदद कितना है, 30 ताक अदद है, और नंबर दो, कार्ड का अदद कामिल मुरब्बा अदद है। तो कहा गया है कि एक बॉक्स में एक से लेकर के 30 अदद लिखे हुए कार्ड रखे हुए हैं। तो आपको नमूना वसात लिखना पड़ेगा, पहले नंबर हल लिखेंगे, नमूना वसात यानी एस बराबर क्या हो जाएगा, एक से 30 तक की अदद हो जाएगी। एक एक कार्ड पर एक एक अदद सिर्फ लिखी हुई है, इसका मतलब एक से 30 तक अदद आपको लिखना पड़ेगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, इस तरह से हम 30 तक लिखते हुए पहुंच जाएंगे। तो आपका एनएस कितना हो जाएगा, एक से 30 तक अदद लिखी हुई है, इसलिए डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, गिनने की ज़रूरत नहीं है। गिन अगर ले तो बेहतर है कि कोई अदद छूट तो नहीं गई है। एन एस बराबर हमारा 30 हो जाएगा। अब हमको एहतमाल मालूम करना है, कभी भी आपको जितना कहा जाएगा उतना एस और एन एस हर सवाल में लिखना ज़रूरी है। उसके बाद एहतमाल जो मालूम करने के लिए कहा गया है उसको मालूम करेंगे। कहा गया कार्ड का अदद ताक अदद हो, अब आपको ताक अदद पता होना चाहिए, ताक अदद क्या होती है। नंबर एक है क्या है, तो इसमें फ़र्ज कर लिया, फ़र्ज किया कि वकुआ ए है, ए बी सी कुछ भी आप फ़र्ज कर सकते हैं,
जिसमें कार्ड का आदत ताक आदत है, कार्ड का आदत ताक आदत है। जो दिया गया वही सेम टू सेम लिख लेते हैं। यही फ़र्ज़ किया वकुआ ये है जिसमें, यहाँ तक का आपका एक अलग जुमला बनता है और बाकी जो है जो दिया रहता है वो लिख लिया जाता है। बेतरतीब तरीका का मतलब कि कोई भी एक कार्ड निकालना रहता है और उसमें से क्या आएगा वकुआ के लिए वो आपको दिया रहता है कि क्या आना चाहिए, ताक आदत आना चाहिए। अब हमको इसमें से ताक आदत पहचानना है कौन कौन सी आदत जो है ताक आदत है। आप सबको मालूम है कि दो से जो तकसीम नहीं होगी यानी दो की जोड़ी लगाई जाएगी तो जिसमें एक बाकी रह जाएगा उसको ताक कहते हैं। एक तीन पाँच सात नौ निशान लगा कर लीजिए या डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए कि ए बराबर हो जाएगा हमारा एक तीन पाँच सात नौ ग्यारह तेरह पंद्रह सत्रह उन्नीस इक्कीस, एक एक आदत छोड़ करके तेईस पच्चीस सत्ताईस उनतीस, ये कुल पंद्रह हो जाएंगे। गिन लीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, तो एन ए बराबर पंद्रह आ जाएगा। अब एन ए बराबर आ गया है तो अब हमको क्या निकालना है, ए वकवे का इहतमाल मालूम करना है। तो अब ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर एन ए बटे एन एस। अब कीमत रख देंगे इसकी, एन ए की कीमत कितनी है पंद्रह बटे एन एस की कीमत तीस है, ये कट जाएगा पंद्रह पंद्रह का पंद्रह पंद्रह दुनी तीस, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन टू, ये पहला आंसर हो जाएगा। अब दूसरा पूछा गया है कि कार्ड का आदत कामिल मुरब्बा आदत है तो इसको भी फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब इसमें फ़र्ज़ कर लेंगे, फ़र्ज़ किया कि वकुआ बी है जिसमें कार्ड का आदत कामिल मुरब्बा है। अब कामिल मुरब्बा आपको मालूम होना चाहिए, कामिल मुरब्बा का मतलब क्या होता है। कामिल मुरब्बा का मतलब होता है ऐसी आदत जो किसी आदत का मुरब्बा हो। कौन कौन सी आदत कामिल मुरब्बा हो सकती है, अब हमको ये जानना होगा कि एक का मुरब्बा कितना होता है, दो का मुरब्बा कितना होता है, तीन का मुरब्बा, ये सब जो मुरब्बा करने पर जो आदत आएगी वो आदत कामिल मुरब्बा होती है। तो एक का मुरब्बा कितना होता है, एक होता है, इसका मतलब एक एक कामिल मुरब्बा है। दो का मुरब्बा कितना होता है, चार होता है, चार कामिल मुरब्बा हो जाएगी। तीन का मुरब्बा कितना होता है, नौ, तो नौ कामिल मुरब्बा हो जाएगा। चार का मुरब्बा कितना होता है, सोलह, एक कामिल मुरब्बा आदत हो जाएगी। फिर पाँच का मुरब्बा कितना होता है, पच्चीस, ये कामिल मुरब्बा आदत हो जाएगी। फिर छः का मुरब्बा छत्तीस होता है, अब छत्तीस इसमें नहीं है तो एक से शुरू कर लेंगे, एक चार नौ सोलह और पच्चीस, ये कामिल मुरब्बा ये आदत हैं, इसलिए एन बी बराबर हो जाएगा हमारा दो तीन चार पाँच। अब हमको क्या मालूम करना है, बी का एहतमाल मालूम करना है, यानी पी बी बराबर हो जाएगा एन बी अपान एन एस। कीमत रख लेंगे, एन बी कितना आया है, पाँच अपान एन बी एन एस जो है तीस, पाँच का पाँच पाँच छंग तीस, ये बराबर हो जाएगा एक बटे छः। इस बात का ध्यान रहेगा कि एक बटे छः लिखना सही रहेगा और छः लिख देंगे गलत हो जाएगा, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहले का आंसर आया है एक बटे दो और दूसरे का आंसर आया है एक बटे छः। इस तरह से ये सवाल आपका मुकम्मल हो जाएगा। इसका नौवां सवाल देखते हैं, एक बाग की लंबाई और चौड़ाई बिलतरतीब 77 मीटर और 50 मीटर है, बाग में 14 मीटर कुत्र का तालाब है, बाग के करीब इमारत की छत पर एक तौलिया सूखने के लिए फैलाया गया है, तेज़ हवा की वजह से तौलिया बाग में गिर गया, बाग के तालाब में तौलिया के गिरने का एहतमाल मालूम कीजिए। एक शक्ल बनी हुई है
बाकी लंबाई और चौड़ाई दी गई कि लंबाई 77 मीटर दोनों लंबाई बराबर रहेगी और दोनों चौड़ाई 50-50 मीटर दी गई है। इस बाग के अंदर एक तालाब है जिसका कुत्र जो है 14 मीटर है। अब इसके बाजू में एक इमारत है, वहाँ पर तौली सूखने के लिए रखी गई है, उसको गिर गई हवा की वजह से, तो तालाब में गिरने के इसका इहतमाल मालूम करना है। कोई मुश्किल नहीं है, बस ये थोड़ा सा आपका अलग टाइप में सवाल दे दिया गया है। तो यहाँ पर हल में हम लिखेंगे, यहाँ पर तौलिया जब गिरेगी, तौलिया के बाग के किसी भी जगह गिरने के मसावी इम्कानात हैं। हवा चलेगी तो तौलिया कहीं पर भी जा सकती है, वो हवा की रफ्तार पर इन्हिसार करेगा। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, बाग का रकबा मालूम कर लेना होगा और फिर दायरे का रकबा मालूम कर लेना होगा, तो हमारा सवाल आसान हो जाएगा। तो आइए हल करते हैं। बाग का रकबा यानी मुस्ततील का रकबा का जाप्ता आपको आना चाहिए। मुस्ततील का रकबा यानी इसी को बाग का रकबा कहेंगे। ये लंबाई जरब चौड़ाई L इंटू बी। लंबाई मालूम हमको कितना है, 77 और 50 चौड़ाई है, तो 77 जरब 50 ये बराबर हो जाएगा। 5 का जीरो लिख लेंगे, 77 को 5 जरब करेंगे, 7 × 5 = 35 हासिल 3, 7 × 5 = 35 3 = 38 मुरब्बा मीटर हो जाएगा। ये क्या है, बाग का रकबा है, और बाग का रकबा ही जो है ये नमूना वसात के अरकान की तादाद, यानी ये जो है आपका ये पूरा जो बाग है वो नमूना वसात है, और उसकी तादाद कितनी है हर पॉइंट की, उसका रकबा बताया गया NS बराबर जो है 3850। ये NS हो गया रकबा, यहाँ पर बाग का 3850 है, तो NS बराबर जो है इसका हो जाएगा 3850। अब हमको क्या मालूम करना है, तौलिया को इसमें गिरने का क्या नाम है, दायरे के अंदर यानी तालाब के अंदर गिरने में का इहतमाल क्या है। तो फ़र्ज़ किया किया कि वकुआ ए है, क्या है, तालाब में गिरने का वकुआ है, तौलिया को बाग में के तालाब में गिरने का, जिसमें तौलिया तालाब में गिरेगी। अब वकुआ ये फ़र्ज़ कर लिया गया है, ये अब हमको दायरवी शकल का, ये दायरा तालाब जो है दायरवी शकल का है, तो दायरे का रकबे का जाप्ता होना चाहिए। दायरे का रकबा क्या जाप्ता होता है, दायरा का रकबा बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, डी दिया गया है, कुत्र दिया गया है, कुत्र बराबर चौदह मीटर, इसलिए निष्कुत्र यानी आर बराबर हो जाएगा 7 मीटर। ये आपको आना चाहिए कि 14 है तो उसका निष्कुत्र जो है 7 हो जाएगा। अब बाग का तालाब का रकबा यही दायरे का रकबा जो हो जाएगा वो तालाब का रकबा हो जाएगा, यहाँ पर 22/7 जरब आर की जहाँ पर 7 का मुरब्बा हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 22 × 7 × 7/7। 1 7 से 1 7 कट जाएगा, 22 को 7 से जरब कर लेंगे, 22 × 7 बच जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 7 × 2 = 14 फिर 4 + 1 = 1 7 × 2 = 15 154 मुरब्बा मीटर हो जाएगा, इसलिए एन ए बराबर हो जाएगा 154।
अब हमको क्या मालूम करना है, तालाब में गिरने का एहतमाल मालूम करना है, तो इसलिए पी ए बराबर हो जाएगा एन ए बटे एन एस, इसी को तालाब में गिरने का एहतमाल कहा जाएगा। ये बराबर हो जाएगा एन ए जो है हमारा कितना है 154 बटे एन एस जो है 3850। तो इसको जब मुख्तसर करेंगे तो अगर हम काटते हैं इसको 54 किससे कटे, 154 किससे कटेगा, यहाँ पर हासिले जरब 154 कितना आया है 22 और किसका 7 का, तो 7 से इसको काट लेते हैं, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 ये कट जाएगा, 7 पच्चे 35 3 बचेगा, 7 पच्चे 35 0, फिर 22 11 से कटता है 2 एक का 2 या चलिए ठीक है, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 1 बचेगा 2 पच्चे 10, अब 11 से 11 का 11 11 दूनी 22 5 बचेगा 11 पच्चे 55, ये बराबर हो जाएगा पी ए बराबर 1/25, ये आंसर हो जाएगा। लिखेंगे तौलिया का तालाब में गिरने का एहतमाल 1/25 होगा। जज़ाकअल्लाह खैर।